मिल जाएगी। अरे यार हम छोटे हो जाएंगे, समझ लेना, तेरे को सैलरी में टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मार्केट, तो ये लड़की मेरे संग हमेशा और हर एक जगह मेरे संग ही ये चलती है, तो आज भी ये लड़की मेरे साथ पीछे पीछे आ रही है, जबकि मैंने इसको बोला था कि मैं तेरे को नहीं लेकर के जाऊंगा, बट फिर भी मैं लटक के आऊंगी, फिर भी ये मेरे संग लटक के आएगी। इसको अगर हम गाड़ी में नहीं बैठा के लेके जाएंगे ना, खैर हम दोनों तो बस से आते हैं, अगर हम लोग बस से ना आए, अगर हम लोग गाड़ी से आए तो मेरे को लग रहा है ये मेरे पीछे पीछे लटक के आ जाए ना, ऐसे ऐसे झूल जाएंगे, झूल जाएगी। अरे यार हम छोटे हो जाएंगे, समझे? तुमसे लंबा, तुम मेरे से लंबा हो, कोई नहीं तो रहना ही चाहिए लंबा, है कि नहीं गाइस? लंबा रहना चाहिए कि नहीं लड़का लोग को? हाँ तुम चलो, तब ना तुम मेरे दिल तक आ पाओगे, एकदम दिल पे दिल आ पाओगे। सही बात है, हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, देखो ना झुकेंगे, हाँ झुकेंगे नहीं, तेरे को तो मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। चलो अब चलते हैं ना, लेट हो रहा है। कितना लेट हुआ? ज्यादा लेट नहीं हो रहा, तुम बार बार ये छाता ला करके मेरा ब्लॉग खराब कर दे रहे हो। सेवा कर रहे हो तो अच्छा बात है ना, तेरे को सैलरी में टाइम पर दे दूंगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से बस से उतर गए हैं, चलो चलते हैं ना। बस में इतना ज्यादा जाम है ना गाइस, अभी मेरे को थोड़ा हाथ में लग गया था ना, तुरंत फूल गया पूरा डर। हाँ गाइस यहाँ पे ये जो है ना, ये जो यहाँ पे है, ये वाला हल्का सा लग करके बस में फूल गया था, क्योंकि हुआ क्या था ना, बस में इतना स्पीड में उतरे ना, धक्का लग गया था। बोल हाँ, अच्छा देखते यहीं पे, थोड़ा आगे चलो, आगे आगे वाला, यहाँ पे नहीं रे। कहाँ चले जाते हो, आगे आगे मेरे को छोड़ करके एकदम? जाना पड़ता, तुम्हारे साथ रहे टाइम वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करे तो अकेले बस पकड़ के चल जाना, ठीक है? अकेले तो हम ना जाएं। चलो यहाँ पे थोड़ा देख लेते ना गाइस, मेरे को कुछ टी शर्ट वगैरह लेना है। गाइस अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पास, थोड़ा अभी हम लोग यहाँ पास कुछ टी शर्ट वगैरह देखते, पसंद आता है कि नहीं, क्या बोले? हाँ वजन नाप करके क्या करोगे यार, देखेंगे तुम कितने किलो के, कितना केजी होंगे, ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, चुके हैं हम लोग मॉल के अंदर में, और यहाँ आके जो राहत मिल रहा है ना, आह क्या ही बताएं आप लोगों को। हम लोग इधर से आए, अब सीढ़ी चढ़े, क्योंकि मॉल पे एसी चलता है, बाहर पे बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी है। क्या आप लोग के उधर में ठंडी पड़ने लगी? हम लोग का इधर में सुबह और शाम थोड़ा बहुत ठंडी लग रही है, शाम को नहीं सुबह को ही लग रहा है। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ तो सब विंटर कलेक्शन आ गया, आप लोग को देख के लग रहा होगा कि ये सब पतला पतला टी शर्ट है, बहुत कम पतला पतला टी शर्ट था, थोड़ा मोटा टी शर्ट आ गया है जो सुबह में विंटर का, जो सुबह मॉर्निंग वगैरह में वेयर करने के लिए, तो वही देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे अब विंटर का कलेक्शन आने लगा है। तो ये इधर साइड में तो नहीं मिला, अब उस साइड में ये लड़का जाके एक चीज़ पसंद किया, ये कलर भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ये देख रहा था बट ये बोला मेरे को उतना पसंद नहीं, मेरे को तो इसके ऊपर सारा कलर ही जचता है, अच्छा लगता है। तो फिर आ गया ये वाइट के सामने, नहीं पर्पल के सामने, लास्ट में जाके ये अटकता है ब्लैक में ही, पता नहीं ये लड़का लोग को ब्लैक क्यों इतना पसंद है, ब्लैक लड़की मतलब मुझे भी पसंद है, गर्ल्स को भी पसंद होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं, इसके पास इतना ब्लैक टी शर्ट है, फिर भी मैंने इसको बोला कि नहीं तुम पर जच रहा है, मैंने फिर उसको बोला कि नहीं तुम ब्लैक मत लो, इतना सारा तुम्हारे पास ब्लैक का कलेक्शन है ना, ब्लैक का टी शर्ट है, शर्ट है, इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम थोड़ा लाइट में लो, थोड़ा हल्का कलर में लो, हल्का कलर भी तुम पर बहुत अच्छा लगता है, और ये जो टी शर्ट पहना ये मैंने पसंद करके उसको दिया है, तो कैसा लग रहा आप लोग कमेंट में बता सकते हो, वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा साइड पे देखने के लिए, हाँ मैं थोड़ा थक गई और खड़ी हो गई, तो ये जा रहा है देखने के लिए, इसको पसंद आ रहा है। मैं ना थोड़ा शॉपिंग वगैरह करती हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, किसी का भी, मैं अपना भी करती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मतलब सोचती हूँ कि बहुत सारा सामान लूँ बट मैं थक जाती हूँ। वहाँ से निकल गया हूँ ना, तो हम लोग को कुछ खास पसंद नहीं आया। यस गाइस हम लोग को वहाँ कुछ खास पसंद नहीं आया, तो अब हम लोग चलते हैं मेन जो हम लोग का मार्केट है ना, वहाँ जाके देखते कुछ पसंद आता है तो लेते हैं ना। हम्म,
तो ये हम लोग का बाजार हो गया, मेन मार्केट में हम लोग आ चुके हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे दिल्ली वगैरह में सरोजिनी नगर है, उस टाइप से ये भी बाजार है। उतना बड़ा तो नहीं है बट हाँ बड़ा है, मिनिमम बड़ा है। और यहाँ का कुर्ती वगैरह का कलेक्शन जो है ना, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये लड़का को मैं बोल रही थी साड़ी खरीद दो यार, एक ही नज़र में मुझे पसंद आ गया, तो बोल रहा हाँ 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 चलो तुम बहुत कुछ लेते रहती हो, तुम्हारा शॉपिंग स्टार्ट होगा तो ख़त्म ही नहीं होगा। हम बोले अच्छा ठीक है, खुद का शॉपिंग में तो बड़ा मज़ा आ रहा है और हमें भी चल रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अभी भीड़ तो बहुत ही कम है। और ये देखो दिवाली के लिए आ गया है नया नया घर सजावट का डेकोरेशन का चीज़, जो कि हम लोग यहीं से लेते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर मिलता है। और अभी बाज़ार कुछ भीड़ हुआ ही नहीं है, बहुत फाँका है। ये दुर्गा पूजा में तो पैर रखने का जगह नहीं रहता, दिवाली का शॉपिंग जस्ट स्टार्ट होने दीजिए, उस टाइम हम लोग जाएंगे और आप लोग देखिएगा इतना भीड़ ना, उसमें भी पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। और ये सनग्लास वगैरह देख रहा था, और इधर से किधर जाना है मेरे को तो कुछ पता, मैं तो बस इसको फॉलो करके जा रही थी। फिर मैंने बीच में इससे पूछा तो उसने बताया कि लेना है, तो फिर आ गए हैं वो दुकान जहाँ हम लोग आना चाह रहे थे। और यहाँ पे हम लोग को शर्ट पसंद आ चुका है, मुझे पसंद आ चुका है, तो मैंने उसको बोला कि तुम यही लो, क्योंकि एक ही पसंद मतलब एक ही नज़र में जो अच्छा लग जाता है ना, वही लेने का मन करता है। तो वही बात है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइस वगैरह पूछ रहे थे, अभी टाइम हो चुका है बिल पेमेंट करने का, मतलब पसंद आ चुका है शर्ट, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ले कर अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, तो शर्ट वगैरह लेके जैसे ही निकले, यहाँ पे था इयरिंग वगैरह का दुकान, तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था जिसके कारण मुझे अभी इयरिंग लेने का समय नहीं था, तो हम लोग दूसरा साइड जा रहे थे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। फिर भी यहाँ का मार्केट ना, कोई वेकेशन रहे कोई फेस्टिवल रहे या ना रहे, भीड़ तो रहता ही है। और हम लोग अब जा रहे थे और मैं बैग ऐसे कवर क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वगैरह में ना कोई भी बैग से कुछ भी निकाल लेता है, इसीलिए अपना सेफ्टी अपने पास। तो यहाँ से हम लोग बाज़ार से निकल चुके हैं और बस का वेट करते करते तो बस भी आ चुका है। तो चलिए बस पे चढ़ जाते हैं और देखते हैं सीट मिलता है कि नहीं, क्योंकि भीड़ है ना, लेकिन यहाँ पे देख के तो लग रहा है सीट मिल ही जाएगा। तो चलिए बैठ जाते हैं सीट पे। तो यहाँ बस से उतर के हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए यहाँ का फेमस मोमो, तो थोड़ा सा चलना पड़ेगा। और हम दोनों देखो यहाँ पे, हम दोनों का हालत आप लोग देख सकते हो, पूरा दिन बाज़ार घूम के पूरा शक्ल एकदम कैसा हो गया है, क्योंकि हम लोग को खाने का भी टाइम नहीं मिला था, बीच में थोड़ा सा खाए थे, अभी जा रहे हैं मोमो खाने। तो चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं आ चुके हैं मोमो खाने के लिए। और यहाँ का मोमो क्या ही बताऊँ मैं, क्या ही बताऊँ। अच्छा, गर्ल्स लोग मोमो ना पसंद करें ऐसा कोई गर्ल्स मुझे नहीं लगता, मोमो और फुचका कोई बस पसंद नहीं करती, मुझे तो नहीं लगता। तो यहाँ मैं मोमो खाने के बाद मैं ले ली हूँ गर्मा गर्म सूप, जो कि मुझे पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मसाला डाल के सूप मतलब देता है। और ये लड़का मेरे को देख रहा है, फिर मैंने इसको थोड़ा सा पिलाया सूप। और यहाँ देख सकते हैं बस वगैरह निकल रही है और रात भी हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं घर और बहुत ज़्यादा रात हो चुका है, तो अभी आए हैं, अभी फ्रेश हुए, आप लोग मेरा फेस देख के समझ। तो आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।